रहिया मला गई ठागे चोर हो घगरिया बटोरी चलो जी, क्या बात है? अचानक तुमने याद किया, क्या बात है? और बोलवाया है इसलिए अरे कौन वर्षा? पापा बेटे वर्षा को नहीं जानते हो, शायद तुम नहीं जानते। अच्छा अच्छा वो हमारे मामा जी की लड़की। हाँ हाँ, तुम्हारे मामा भानु प्रताप सिंह की लड़की। अच्छा तो वर्षा कहाँ है? वर्षा लंदन में पढ़ाई करती थी, आज पूरे 18 साल के बाद वर्षा अपने गांव पतौंजा यानी अपने घर को आ रही है, अपनी हवेली पर। हाँ, वर्षा ने भी फोन किया था कि फूफा जी किसी नौकर को भेज दो, हम मिश्री के स्टेशन पर पहुंचने वाले हैं। अरे नौकर वहां क्यों जाएगा भाई? हाँ हम हैं तो नौकर की क्या जरूरत है पापा? इसीलिए हमने तुम्हें बुलाया है कि तुम बोलेरो ले लो और मिश्री के स्टेशन चले जाओ। अरे एक काम तुम करो, चल करके बोलेरो साफ कराओ और दोनों लोग चलते हैं मिश्री के स्टेशन। हाँ अरे साले न कभी नहीं क्या साले गाड़ी कहा जाता गाड़ी तुम कहाँ तमाचा मार रहे क्या? अभी गाड़ी की चाबी कहा जाता है, तुम चाबी क्या करोगे? तुमको ऊपर साफ करना कि अंदर साफ करना है? भीतर तुम ना सफाई करो, तुम बाहर बाहर सफाई करो। और चलो हम आ रहे हैं तैयार होकर के, ठीक? और अभी चलने वर्षा को, ठीक है पापा? तुम हवेली के अंदर आराम फरमाओ, ठीक है? और मैं अभी वर्षा को लेने के लिए मिश्र के स्टेशन, ठीक है? जाओ, हम तुम्हारे और वर्षा के आने का इंतजार करते हैं। जय शंकर जी। जब तक हमारा बेटा गुमान सिंह वर्षा को लेकर नहीं आता है तब तक हम अपने बेटे गुमान सिंह के आने का इंतजार। शायद आप लोग नहीं मुझे जानते, मेरा ही नाम वर्षा है। मैंने फोन फूफा के पास किया था लेकिन कोई लेने के लिए नहीं आया, मिश्री के स्टेशन पे आ गई। ठीक है बैठ करती हूँ, देखती है कौन आता है। ठीक है यही है मिश्र की स्टेशन। कटेन निकल गए हैं क्या? यात्री बहुत कम नजर आ रहे हैं। हम गमला सब चले गए हैं, ट्रेन बल्ला दिखाई लगता है बाला माँ वाली ट्रेन चली गई है। लेकिन 2 घंटा वहां भी तो उसे रुकना पड़ता है ना। क्या कहना है ठाकुर साहब? स्टेशन पर बिटिया भेंट करती हुई है। बेत ना कह दो, डंडा करती हुई है। साले उल्लू के पट्टे बेत नहीं वेट, उनका मतलब हमारा इंतजार कर रही होगी। वेट तुम जब इंग्लिश नहीं बोल पाते तो हिंदी में बात किया करो भैया। बिटिया पर नंबर लगाओ। अरे यार बिटिया पर नंबर लगाए या बिटिया के मोबाइल पर नंबर लगाए? तुम हरामी हो, देखो सिटिया कैसे मार रही ट्रेन।
निकसे वाली है ट्रेन दो सर। चप्पल लगाते हैं पता भी चल रहा है खुद कहां पर है, पुलिस स्टेशन है कहां पर ढूंढे हम। गवाह गवाह, अरे तुम्हारे गवाह गवाह पर साले व्यस्त बता रहा। ऐसा है हमें लगता है उधर से भी फोन, कहीं ऐसा तो नहीं कि वो वर्षा उधर से भी फोन मिला रही हो हम इधर से मिला रहे हैं। ए, भी जमा टकी रहा। अटक नहीं फोन मतलब दोनों का एक मिनट टच हो रहा है इसीलिए नहीं बात हो पा रही है। चलो फिर से चेक करते हैं। नंबर तो नहीं बदल दिया उसने सोना, कहीं सिमम तो नहीं टूट गई। लोग बदलते लोग क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है यार, कहाँ चले अब कैसे ढूंढे, इतनी बड़ी स्टेशन है भीड़ भाड़ ज्यादा है। उरे, उरे, ये इधर देख लड़की बैठी है एक चेयर के ऊपर, ये जो कुर्सियां बनी हुई है स्टेशन पर वहीं बैठी है। ऐसा करो यहाँ 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 तुम जाओ, इससे पूछो जाकर के तुम्हारा नाम क्या है। तुम जाओ हम पूछी जाए और क्या काम करोगे हम पूछी जाए। अरे तुम्हारी गाय रही चुप सारे उल्लू के पट्टे। नहीं हम पूछी जाए लौड़िया का मामला। अरे तुम हमारी बात सुनो, जान न पहचान खाला बबू सला। अरे तुम हमारी बात तो सुनो, तुम जाकर के पूछो देवी जी आपका नाम क्या है। अगर इसका नाम कुछ होगा तो बता देगी ठीक। पूछ करके पूछी जाए हमारा दिन थोड़ा खराब हो। अरे यार कोई ऐसे पूछी जाए निकाले जूती गौर चार्ज हमारे जड़ी दे। अरे यहाँ तुम चाहते हो कि बेवजह कोई थोड़ी मारने लगेगा। तुम जाओ पहले पूछो जा करके देवी जी आपका नाम क्या है। जाओ जल्दी पूछो जल्दी समय। तुमने जाकर के क्या कहा है? बीबी जी। बीबी ना कह दो अम्मा साले उल्लू के पट्टे। बीबी जी नहीं देवी जी कहो जाकर के। देवी जी आपका नाम क्या है, कहाँ रहती हो? जाओ कह दो जाकर के मैडम जी जाओ। क्या बात क्या है बताओ तो। तुमने जाकर के क्या कहा है? क्या कहा कहा तुमने? मेढक जी क्या हाल? मेढक ना कह दो मेढुकी। मेढक जी नहीं मैडम जी। मैडम जी आपका नाम क्या है, आप कहाँ रहती हैं, किसकी बेटी हैं, इतना पूछ करके आओ साले उल्लू के पट्टे। इंसान को लेने के लिए आए हैं इसलिए हम नाम पता पूछ रहे हैं, तो पहचान नहीं है ऐसे बताओ। नाम पूछो क्या बताओ। लौड़िया के लिए आए हैं, कोई तलाश हो तो किसी की तलाश में तो इतनी बड़ी स्टेशन पर कहीं भी ढूंढो जाकर यहाँ क्यों खड़े हो? अरे यार अंत कहाँ चली आओ। तुम ऐसा करो जाकर के कह दो हम किसी इंसान को लेने आए हैं, तुम इतना बताओ तुम्हारा नाम क्या है। तुम चक्कर ही ना जा नहीं पाए कुछ भाई तक। क्या नाम बताया? जिस नाम से हम लोग आए हैं। अरे बरसान है कई दो साले बुंदियान है। हाउ बहुत हरामी। हटो हम बात करते हैं। हटो तुम कुछ नहीं कर पाओगे। अरे मैडम जी जरा सामने आइए कि आपका नाम वर्षा है क्या? जी मेरा नाम वर्षा है। वर्षा और तुमने हमें नहीं पहचाना? जी मैंने नहीं जाना। अरे देखो तो पहचानो, भूल गई क्या? कौन हो? अरे मैं तुम्हारा भैया गुमान सिंह, तुम्हारे फूफा का बेटा वर्षा।
इसको नहीं पहचानती, तुम इतनी जल्दी भूल गए हो? अब ये भूल गए लौड़िया, वह लौड़िया। अरे ये वही है। अब काद रखियो। क्या? अब काद रखियो। क्यों बता? ध्यान करो, हम बताइबा आदि आ जाए। ध्यान? हाँ, वह हन हम जब तुम छोटी रहा, ध्यान करो तब हम खूब ले थी रहन गोदिम। अरे ये नौकर है, ये हमारे पापा का नौकर, तुम्हारे फूफा का नौकर, ये नौकर है चंपत लाल। जब तुम छोटी थी, साले पैर छुओ या गले लगोगे? गले लगोगे तो भैया ते अभी बहुत पिटवाऊंगी। साले बास आ रही है तुम्हारे पास हो, गले लग रहे हो। ये नहाता क्यों नहीं है भैया? अरे साले हमने तो सेंट छिड़क रखा है तुम्हारे पास। अच्छा तुम पैर छो, तुम सभी बातें छोड़ो। कितने कपड़े? वो तुम्हारा बैग कहाँ है? मेरा बैग तो भैया ये है। तुम ऐसा कर, तुम वर्षा का सामान पकड़ो और जाकर के गाड़ी में रखो, जाके चलो सामान लियो। भैया ये मेरे ये सामान पकड़ो, जाकर के गाड़ी में रखो जाके। हम सामान पकड़े हैं। और क्या करने आए हो? और क्या करने आए हो भाई? नहीं, हम सामान पकड़े हैं। अरे और क्या करोगे? तो हम सामान पकड़ी। अरे यार समय ज्यादा हो रहा, वो बेचैन है, तुम सामान उठाओ चलो जाओ। तो बैग उठाओ। अरे बैग ही ले भैया, जैसे तुम सामान पकड़ो चलो उठाओ, आराम से ले जाना। तो एक उसमें सामान सकता ना, कुछ टूट फूट जाए। किताबें हैं और देख लेना, केले इसमें रखे हुए हैं, केले बैठ करके वहीं गाड़ी के पास खाओ। सब इसमें फल फलारी रखी हुई है। वर्षा, अरे तुम तो बिल्कुल पहचान ही नहीं जा रही हो। जब तुम इतनी छोटी सी थी तब पढ़ाई करने गई थी और एकदम सयानी हो गई हो। बड़ी हो गई भैया। अब भाई तुम सामान लेहे घूम रहे हो। हाँ वो गाड़ी की चाबी ला। तोरी बही रख, चाबी तो तुम्हारे पास है यार। या बाबा भूल हम है गए, चाबी हमारे इधर है, तब कहाँ धर दी जाए? अरे इसको पीछे वाली डिग्गी में रख दो जाकर यार, पीछे खोल के धर दीजिए। अरे खोल के पीछे वाली डिग्गी उसी में रख दो जाकर के, और सामान अब यहाँ मन लेकर क्या ना। अब वर्षा ऐसा चलो चलते हैं, पहले चल करके कुछ चाय। अब ले भूख लगी, चलो कोई बात नहीं, चल करके पहले होटल में चाय नाश्ता करते हैं। तुम सामान ले घूमी है कहा यार? पूरा सामान पीछे आ ही नहीं रहा। अरे तो आगे वाली सीट पर रख दिए होती हूँ, बीच में धर दी जाए। अरे जाओ पीछे वाले में धर दो भैया, जाओ तो सार सामान ला दे घूम रहा। चलो चल करके होटल में चाय नाश्ता करते हैं और उसके बाद में चलते हैं घर। ठीक कैसी निकल गए? कैसी गए? यह बात हमका लौंडा पढ़ाएंगे, लगे पीछे हम और हो सकते हमारी उदा निकल जाए। अरे रुके, सामान का कर रहे हो और यहाँ क्या लेने आए हो? चले जाइए, क्या लो ना। हाँ हमें कोई खाए जा रहा है, जो अकेले हो दो तीन जगह और जलाई दो, जो सभी सही को इकट्ठा कर ले। वैसे बहुत जच रहा, समय व्यस्त मत कराओ। अरे गाड़ी के पास जाओ। वर्षा देखो तुम इतने दिनों के बाद आई हो, हमने सुना है तुमने लंदन में पढ़ाई किया है और बोली भाषा तुम्हारी वही है अभी। क्यों भैया, बोली भाषा में क्या हुआ? देखो बात यह है कि तुम्हारे मुख से भैया का शब्द अच्छा नहीं लगता। ओ भैया का शब्द तुम्हारे मुख से बिल्कुल अच्छा नहीं, अच्छा नहीं लगता भैया का शब्द। तो चलो भैया नहीं कहूंगी, आज से दद्दू कहूंगी। अब इसमें कौन सा तुमने बदलाव कर दिया? भैया दद्दू बात तो एक ही। गाने में जा। अरे गाने में चाय ना कह दिया, गरम चाय यार, तुम काहे चक्कर में पड़े हो भाई? जा यार चाय पियो, जा समोसा ले लियो। इसमें कौन सा तुमने बदलावा कर दिया? क्या बदलावा? भैया और दद्दू का शब्द तुम्हारे मुख से अच्छा नहीं लगता। क्यों? मैं जो कहूँ वही तुम कहा करो। क्या कहूँ? प्यार से। प्यार से एक बार एक बार मामा
खाओ भोग। प्यार से एक बार मुस्कुराकर हमें शैया का हाय हाय मेरी वो जानवर शाह। अभी रुको, अभी फूफा से दिखाई। कहां जाओगी फूफा के पास? तो बहने है हो फूफा करते आएगी और जरम नमक छिड़काई। वर्षा, वास्तव में मेरी जान बरसों से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। कब तुम आओगी, कब तुमसे मेरे दिल की तमन्ना पूरी होगी, क्योंकि तुम्हारे साथ ही मेरी शादी। हाय हाय मेरी जान, बिल्कुल चौधरी का चांद हो क्या? तुम्हारे होठों पर लिपस्टिक लगी है मेरी जान। मेरा दिल कहता है कि तुम्हारे होठों की लिपस्टिक अपनी जुबान से मलाम मलाम करके। ए वर्षा, उड़ रही मला कई था के चोर हो। अरे रहिया मला गई था के चोर हो, घगरिया बटोरी चलो सही। शीशे चिकन ये तो है
तू किया यहाँ पर परेशान है, तू कहा है छिपा, और भगवान जल्दी पे आ तो पति की तरह ला कि वे से बात करना। अगर जरा होश को भूल करके बात किया तो हम जरा दूजी किस्म के इंसान हैं। अच्छा, पहले तू ये बता, हाँ तेरे खानदान में बहन और बेटियां नहीं है क्या रे? वो तमाचा मारेंगे तुम्हारे हम कि बत्तीसी तुम्हारी खट से नीचे आ जाएगी। कल से काम कर रहा क्यों आती है? क्या है? रास्ते में चलने वाली लड़कियों को छेड़ता है तो शर्मियाती, तो तुम्हारी समझ में ये आया कि हम इसको छेड़ रहे हैं? फिर क्या करते हो? अरे ये कोई हमारी गैर नहीं है, तेरी ये हमारी बहन है। बहन रे बहन? हाँ तेरी बहन है, तब तो तुझे चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाना चाहिए। क्यों ये याची करना? तुझे बहन ही मिली थी? अरे बदतमीज, चुल्लू भर पानी में डूब करके मर जाओ, तेरे जैसा कायर इंसान दुनिया में नहीं है कोई। वो तमाचा मारेंगे तुम्हारे हम, नहीं तो तुम्हारी समझ में आ रहा हम इसको छेड़ रहे हैं क्या? तुम्हारी समझ में आया कि हम इसे छेड़ रहे हैं तो क्या कर रहा था? ये हमारी बहन है। अच्छा अच्छा, और ये लंदन में पढ़ाई करती है। लंदन में? लंदन विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके आज वापस आई है घर पर, और हम इसे लेने के लिए स्टेशन पर आए हैं। 18 साल के बाद हमारी इसकी मुलाकात हुई है। 18 साल के बाद इसने हमें देखा, हमने इसको देखा, दोनों के दिल में भाई बहन की मोहब्बत जाग उठी। हमारी तरफ दौड़कर कहने लगी, गलत जगह पे आ गया। सही जगह पर जब जूता 50 पड़ेंगे तब जाओगे। दोनों लोग गले मिल गए, मोहब्बत जाग उठी, बाहों में बाहें डाल करके दोनों लोग अब सामने नजर डाला, ये देखो क्या पड़ा है। ये देखो सामने ये क्या पड़ा। अच्छा वो केले का चिकन जो चश्मे का सहारा लेकर देखते हो, चश्मा लगा करके क्या बड़ा बड़ा दिखने लगता है क्या? आप समझ लीजिए कि मैं पढ़ाई करता हूँ इसलिए चश्मा लगाता हूँ। अच्छा, जब चश्मा लगता है तो बड़ा बड़ा दिखने लगता है। केले का छिकला पड़ा है ना? सब करामात केले की छिकले की ही है। मतलब हम लोग दोनों लोग बाहों में बाहें डाल करके जा रहे थे इस रास्ते से, अचानक इसका पैर इस केले के छिकले पर पड़ गया और ये गिर गई।
मुझसे कहने लगी भैया उठाओ भैया उठाओ भैया उठाओ। भाई साहब मेरे समझ में आया, लड़की कहती है चलो खसका भूल हो गई, चलो चलो जाओ। अरे मैं समझ नहीं, चलो जाओ भैया मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, कोई बात है चलो जाओ, कोई बात है बात नहीं, चश्मा खा ले आ जाई भाई साहब, निकलो निकलो निकलो, चलो चलो जाओ। ये बहन भाई का मामला, चलो तुम इनके ये कमीना मुझे छेड़ रहा था। स्टेशन से बैठे बैठे हम तुम्हारी हरकत तो देख रहे हैं। अरे भैया मारो ना, नहीं नहीं मारो ना, हम तुम्हारी पूजो बहुत दादी समझाए हम हो रहे हैं, यह तुम्हारी बहनी है लेकिन यह कल युग तुम्हारी बहन, हमारी पोस्टिंग हुई है यहीं पे, कल से ड्यूटी ज्वाइन करूंगा।